कंप्यूटर युग च मनोरंजन दा साधन सर्कस अंतले साहां ते है। सर्कस च काम करन वाले कलाकार महज 400 रुपए दिहाड़ी ते काम करन दे लई मजबूर ने। 3 दहाके पहला मनोरंजन लई मेलिया च ते वड्डे शहरां च लोग बड़े उत्साह दे नाल सर्कस नूं देखना पसंद करदे सन। अपोलो, जैमनी, रैम्बो, रॉयल, जंबो, बंबे आदि बहुत वड्डियां भारतीय सर्कसां होईयां ने जिन्हां नूं लोग बेहद पसंद करदे सन। रॉयल सर्कस दी जेकर गल कीती जाए तां जलंधर दे विच अजकल इह लगी होई है, जिथे हुम हुमा के मापे अपने बच्चों नूं दिखाउण दे लई लै के आउंदे ने। इस दौरान जदों मापिआं दे नाल गलबात कीती गई तां 20 साल बाद उन्हां दस्सिआ कि सर्कस देखण दा उन्हां नूं मौका मिलिआ। अपने बच्चों वह सर्कस दिखाने लिए लैके आए ने। सर्कस भी मनोरंजन का साधन है। उते बच्चों ने कहा कि असी पहली बार सर्कस देखने आए हाँ। उते सर्कस काम करते नेपाल के कलाकार ने दसिया कि वह ते उनकी पत्नी इकट्ठे इत्थे काम करते ने। उसकी उम्र 29 साल है ते 7 साल की उम्र तो वह सर्कस दे विच काम कर रहा है। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि वह अपने बच्चों इस किते विच नहीं पावेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत। कहाँ से हो आप? नेपाल से। कितना टाइम हो गया आपको? कितने समय हो गया आपको कितना ये काम तो हो गया 22 साल हो गया। कितनी उम्र से काम करने लगे थे? 7 साल से। अब आपके आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड हूँ। और आपके साथ आपकी पत्नी भी काम करती है? जी हाँ। आपके बच्चे? बच्चे घर में पढ़ रही है। पढ़ते हैं। बेटा या बेटी? बेटी। बेटी कितनी देर की है? 6 साल की। 6 साल की। आपके जो पगार मिलती है उससे सेटिस्फाइड है आप? जी। आप आपके इस जो काम करते हैं आप अपने बच्चे को भी इसको लाइन में डालेंगे या नहीं? उसको क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे कुछ बनेगी आगे? उथे ही हासरस कलाकार जो कि जोकर दा काम करदे ने 70 साला राम प्रसाद निवासी मध्य प्रदेश ने दस्या कि कोई जमाना सी जदों लोग बड़ी तादाद दे विच सर्कस देखण लई आउंदे सन। हुण तां बस गुजारा ही हुंदा है। उन्हां कहा कि डिजिटल दी दुनिया दे विच सर्कस दा महत्व घट चुक्या। क्या नाम आपका? राम प्रसाद सिंह। कहां से आप? एमपी। एमपी से। आपको कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? मैं बचपन से कर रहा हूं सर। कितनी उम्र से? 6-7 उम्र का। 6-7 से। अब आपकी कितनी उम्र है? अभी 70 चल रहे हैं। 70। आपके बच्चे? दो, एक लड़का एक लड़की। वो क्या करते हैं? वो भी वो घर में रहते हैं। एक लड़का सर्कस में रहता है, इसी आठ सर्कस। ओके। और आपके साथ यहाँ पे और भी कोई है? हम अकेला हैं। आप अकेले हैं। आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? यहाँ हमको 400 रुपया डेली मिलता है जी। 400 रुपया डेली। काम चल जाता है? चल जाता, क्या करेंगे सर। और यदि जो आप रुझान जो है लोगों का सर्कस देने का कम हो रहा है। हाँ जी। आप 70 साल से काम कर रहे हैं, अब ज़्यादा के पहले लोग ज़्यादा थे? पहले अच्छे थे, पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया। अभी कम हो गया। हाँ जी। सोनू कुमार यूपी निवासी ने दसिया कि वह ते उहदे मापे भी सर्कस काम करते सी, पर अपने बच्चों नूं ओह इस काम दे विच नहीं पाएगा। क्या नाम आपका? सोनू कुमार दास। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। कितनी देर से आप काम कर रही हैं? हमें हो गया समथिंग करीब 28-30 साल जैसा काम करते हुए। बचपन से काम कर रहे हैं, ऐसी उम्र थी हमारी करीब 8-9 साल की उम्र से काम कर रहे हैं हम। आपके परिवार में और भी कोई काम? परिवार में जी मम्मी भी करती थी, पापा भी करते थे, प्लस हम भी सीखे यही काम, मगर हमारे बच्चे नहीं करते। हमारे बच्चे, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि उनका भविष्य आगे कुछ बने, हमारे तरह ऐसे ठोकर ना खाए घूम घूम के। ये जो अभी आप, आपके माँ बाप करते थे ये काम जी, आपने भी किया जी, फिर आपने बच्चों को इस लाइन में क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं डाले सर, क्योंकि इस लाइन का क्रेज कम हो गया। अब पब्लिक उतनी आती नहीं, पहले पब्लिक खूब आती थी, ठीक है, काम चलता था, अब उतना चलता नहीं। पब्लिक शो में जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते शो में। की नाम है? मैनोर जी कुमार माना जी, एज ए मैनेजर रहते मैं ओला शक्कर एंड कंपनी फ्रॉम लुधियाना तो ये सारा अरेंजमेंट किया गया वा। यस, सर्कस की गल करिए, डिजिटल दौर का जमाना चलता पे है, कई लोग अजकल मोबाइल से होर गेम या मनोरंजन करने के बड़े साधन है, तो सर्कस के बारे किन्ना लोगों का रुझान है देखने? जो मोबाइल से जो जी चीज़ है वो अलग चीज़ है, जो लाइव देखने एक अलग चीज़ है। लोग लाइव देखना ज़्यादा पसंद करते, जो बजुर्ग लोग से आप इवें अपनी एज आप हो गए हैं, वो अपने बच्चों नाल लैके आते हैं लाइव दिखाने वास्ते,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਆ। ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਜਾਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਰੁਝਾਨ? ਰੁਝਾਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। 8 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਰਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਹਰ ਅਲੱਗ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਸਾਰੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੈਲਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਆਈਟਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।